गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और मैं इधर फ्राई कर रही हूँ मूंगफली मखाने और व्रत वाले आलू। और इधर मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ, भगवान जी को नहला के उनकी पोशाक बदल रही हूँ। तो इधर मैंने माता रानी की पोशाक बदल दी है, साईं बाबा की भी और लड्डू गोपाल की भी। तो मैंने नए नए पोशाक पहनाए हैं। कैसी लग रही है पोशाक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी इधर मैं चौकी पर बिछा रही हूँ कपड़ा। ये चौकी का कपड़ा मैं कल लेकर आई थी, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कल, बहुत सुंदर सा है ना। और इधर मैं जौ बो रही हूँ, आप लोगों के ऐसे क्या बोलते हैं ये भी मुझे बताइएगा, क्या आप लोग भी नवरात्र में इसी तरह से पूजा करते हैं। और इधर देखिए मैंने अच्छे से चौकी लगा ली है, कलश स्थापना भी कर दी है और अभी मैं अखंड दिया जलाऊंगी। उससे पहले मैं एक बार आपको अपने पूरे मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए मैंने भगवान जी को फूल चढ़ा दिए हैं अभी, और इधर मैंने जला दिया अखंड ज्योत। तो बोलिए जय माता दी। और ये देखिए गाइज, मैंने ना बाहर भी शुभ लाभ और स्वास्तिक लगाया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अंदर ये मैंने रोली से स्वास्तिक बनाए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल #arurihu। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से शुरू हो चुके हैं नवरात्रि। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। जय माता दी। माता रानी आप पर खूब कृपा बरसाएं, आपकी सारी विशेष पूरी करें। जय माता दी। मेरी पूजा हो चुकी है और आज मैं इसीलिए लेट आई हूँ ना सामने, पहले पूजा वगैरह करके सारा काम खत्म करके तब फिर ब्लॉग स्टार्ट किया है। बाकी मैंने वीडियो बनाई थी पूजा की, जो अभी आप लोगों के साथ शेयर भी की मैंने। और क्योंकि मैंने आज अखंड ज्योत भी चलाई है और नवरात्रि के पूरे नौ व्रत भी रखे हैं, तो थोड़ा सा बिजी रहूंगी, लेकिन हाँ आप लोगों को दिखाती रहूंगी अपनी पूजा मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मैं करूँ ना कैमरा लेकर ही लगे रहूँ तो फिर पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा फिर उस टाइम पे कैमरा यूज नहीं करती हूँ, फोन अलग रख देती हूँ, पहले पूजा करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरा व्रत है तो मुझे अपने लिए तो व्रत का बनाना था, जो कि मैं बना ही चुकी हूँ, सुबह ही बना लिया था क्योंकि हिमांशु का भी व्रत है तो दोनों के लिए बन गया था। अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए आलू और पूरी बना रही हूँ, सूखा आलू और पूरी, मतलब जीरा आलू। उसको हमारे यहाँ सूखा आलू ज़्यादा बोलते हैं, सूखा आलू, कहीं जीरा आलू बोलते हैं, ऐसे कहीं आलू की भुजिया बोलते हैं, है ना। तो मैं वही बच्चों के लिए बस सूखा आलू और पूरी बना रही हूँ। और आज मेरे को ना जाना भी है दो जगह, दो फ्रेंड्स के यहाँ कीर्तन है आज, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाऊँगी क्योंकि घर में अखंड जो जलाई है तो छोड़ नहीं सकती ना घर को, तो आलू रहेगा घर पे, बस मैं जाऊंगी रिहू को ले जाऊंगी, क्योंकि रिहू की ना थोड़ी तबीयत भी खराब है, रात से ना उसको थोड़ा कोल्ड और फीवर हो गया था, तो उसको थोड़ा लेके जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस जाऊंगी। तो अभी मैं बस फटाफट से आटा लगा के बच्चों के लिए पूड़ियां बना लूं, खाना खिला दूं उन लोगों को, और फिर उसके बाद रिहू के मिलते हैं। तो गाइस बच्चों ने खाना खा लिया है और अभी मैं करूंगी अपनी वीडियो पब्लिक, क्योंकि अभी तक नहीं हुई थी, आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि ना आज पूजा में ही टाइम मेरा पूरा निकल गया, तो फिर आज मैं कर नहीं पाई हूँ, तो बस अभी करूँगी। और इधर आरुण अपना प्रोजेक्ट बना रहा है मैथ्स एग्जीबिशन के लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आरु क्या बना रहे हो? ये मेरा प्रोजेक्ट है मैथ्स का, विजुलाइजिंग 3D शेप्स। और ये क्या रखा है, क्या खा रहे हो? खा रहे हैं। आप भी खा लेते हो? नहीं, मेरा फास्ट है। अच्छा, फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ। चलो, तो ऐसे बहुत सारे, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, और अभी तीन और बनाने हैं। देखिए इसको ऐसे पुल करते हैं ना तो पूरा उसके शेप में आ जाते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अभी बाकी का और बनाओगे? हां, पूरा करो फिर और दिखाना। इसमें मैंने छेद कर दिया है। ओके, बना लो। इस पर कुछ लिखा भी तुमने, अच्छा क्यूबॉइड लिखा है क्या? हाँ, ये इधर लिखा है। शो मी। ओके, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए। मैंने बताया था आप लोगों को ना, मेरी फ्रेंड के यहाँ आज कीर्तन है, दो फ्रेंड्स के घर है, तो दोनों के यहाँ जाऊँगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। मैं और रियो भी जा रहे हैं। दोनों फ्रेंड्स का घर यहाँ पास में ही है, अपनी सोसाइटी में ही है, बस बिल्डिंग अलग अलग है। तो गाइज अभी मैं पहुँच चुकी हूँ कीर्तन में, तो कीर्तन की थोड़े से वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Yeah.
जा रहे हैं दूसरी जगह, एक जगह कीर्तन अटेंड कर लिया, अभी दूसरी जगह जा रही हूँ, दूसरे फ्रेंड के घर, नैना के घर जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम आ गए दूसरी बिल्डिंग में, चलो बेटा देखता अभी कम। तो अभी हम पहुंच गए इधर नैना के घर, सामने देखिए कितनी सुंदर रंगोली है। मेरी कुमारी का आशीर्वाद दो, सदा खुश रहिएगा तुम। तो फ्रेंड्स आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो ये नैना के घर की माता रानी के दर्शन मैं आप लोगों को करा रही हूँ, और अभी बाहर चल के रंगोली भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है ना, बहुत ही सुंदर लग रही है, कलश बनाया है फूलों से, बहुत अच्छा सजाया है नैना ने घर। चलो बाय कर दो फ्रेंड्स को। और इधर मैं नैना की बालकनी से आपको दिखा रही हूँ अपनी सोसाइटी की डेकोरेशन जो नवरात्रों के लिए हुई है। सुंदर बनाई है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे, और ये देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रही है, और यहाँ माता रानी के भी मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई है ना, अगर पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिख दीजिए जय माता दी। तो गाइज अभी हम आ गए हैं अपनी बिल्डिंग में और जा रहे हैं अपन घर। हिमांशु भी आ गए हैं, मुझे पता चल गया क्योंकि उनकी बाइक और मेरा स्कूटर साथ साथ खड़ा होता है, तो उनकी बाइक है बराबर में, तो मुझे समझ आ गया है कि वो घर पे आ गए हैं। और अभी घर जाके ना व्रत वाला खाना बनाना है जल्दी से। तो गाइज मैं इसलिए ना इस ब्लॉग को जल्दी से यहीं एंड करूँगी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है, पूजा भी करनी है शाम की और फिर व्रत का खाना भी बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।